तो फिर गाइस फाइनली मैं रायवाला से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और आवाज भी बैठ गई है, शादी हो गई है और मतलब इतने ब्लॉग जो आपने देखे मैं उसमें कुछ नहीं बोल रही होंगी, मतलब कोई बातें नहीं कर रही होंगी ऐसा, इसलिए रुक जाओ यार कैमरा सेटअप करती हूँ मैं। अब नई जगह पे आई हूँ तो थोड़ा यहाँ के अकॉर्डिंग मेरे को कैमरे का सेटअप देखना पड़ेगा कि कहाँ पर से मुझे वीडियो की शुरुआत करनी है, आगे भी मुझे किन जगहों पे जो आगे भी मुझे किन जगहों पे हमेशा वीडियो की शुरुआत करनी है। मेरे को ये टाइम मिला है अभी तैयार होने का, तो इसके साथ साथ मैं ब्लॉग की शुरुआत भी कर रही हूँ, इसलिए मैं सोचा थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। आज सुबह ही मेरी विदाई हुई है, मतलब मम्मी लोग चले गए हैं घर और मैं हूँ यहाँ पे। रुको गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ पर बैठूँ। बालों की मेरे ऐसी वो हालत हो रखी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कल मेकअप वाली ने मुझे तैयार किया और ये बालों पे स्प्रे वगैरह पता नहीं क्या 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 मार रखा है और इतने जिड़जिड़े हो रखे हैं। और अभी नहाने के लिए शाम का टाइम हो गया है इसलिए मेरे को बिल्कुल मना कर रखा है कि नहीं नहीं ठंड लग जाएगी तुमको। तो ये मैं तैयार हो गई हूँ, तैयार मतलब मैं ऐसी ही हो रखी हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन ससुराल में हूँ तो थोड़ा सा घर में रह के भी थोड़ा सा वो होना है क्या, तैयार श्यार बन के रहना है। तो बालों पे तो मेरे वो भी नहीं जा रहे, तो मम्मी लोग चले गए हैं घर, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। और लगातार जो इतने व्लॉग आए मेरे बहुत डेडिकेशन के साथ, मैंने शादी भी वो करी और जैसे ही मुझे रात का टाइम मिला रात के टाइम में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी एडिट करी। एक दिन में मैंने तीन तीन व्लॉग डाले, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई। मैंने देखे अब मैं सब अपने खुद के व्लॉग ढंग से मैं अब देख रही हूँ, अपनी सारी चीज़ें मैं अब ही कर रही हूँ क्योंकि उस समय तो बिल्कुल मैं तैयार हुई और कुछ नहीं, सीधे व्लॉग देखा और डाला। तो और मैं फाइनली फ्री हूँ, तो कोई आया है वेट लाएगा तो ये लहंगा और ये बैग अंदर डलवा ठीक है। तो गाइस नए नए घर में थोड़ा सा नए नए लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, तो उम्मीद है कि अब अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे मेरे ससुराल के। ससुराल तो पहुंच गई हूँ, एक्साइटमेंट भी थी थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि यार कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, लेकिन चलो बढ़िया तरीके से हमारा कार्य संपन्न हुआ। आज मैंने ये पहन के रखी हुई क्योंकि एक दो दिन तक पहन के रखूँगी क्योंकि कई लोग आएंगे, मिलना जुलना होगा और ज़्यादा तैयार श्यार होने का मौका तो मिला नहीं क्योंकि सब लोग बिजी हो रखे काम पर और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो मैंने तो दरवाज़ा बंद करा हुआ है क्योंकि अभी नई नई जगह पे आ रही थी तो ज़्यादा मैं चिल्ला नहीं सकती, तो अभी ये दरवाज़ा बंद है। तो ये है एंट्रेंस और ये है मेरा रूम, मतलब अभी मेरा रूम हो गया है। ये पहले से ही साबित हो जाता है कि ये मेरा रूम है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है हमारी फ़ोटो। अभी तो चारों तरफ सारा सामान बिखरा पड़ा है, यहाँ पर कई लोग रहे थे, रजाई गद्दे हैं, ये मेरे सूटकेस हैं, ये देखिए। थोड़ा पर्दा खोल लेती हूँ ताकि बाहर की लाइट आ जाए। तो ये देखिए ये है हमारा रूम और मैं यहीं पे तैयार हो रही हूँ सुबह से तो नहीं, सुबह ही मेरी विदाई हुई थी। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं जैसे मेरी विदाई हुई और मैं यहाँ पे आई तो केवल ये था कि जो मेरा मतलब गृह प्रवेश वगैरह होगा वो होगा और उसके अलावा बस हम लोग आराम करेंगे। तो मैंने हल्की सी साड़ी पहन ली, तब तो मौसी लोग जितने भी थे सब जाने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं 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 पहली रसोई भी आज ही होगी कि हम लोग हलवा खा के जाएंगे। इसके अलावा कई चीज़ें हो गई, तो जो आपने वो ब्लॉग देखा ना वो मतलब मैंने सिंपल साड़ी पहनी हुई थी वरना मैंने एक तो दूसरी पहननी थी, तो वो जल्दबाजी में सारी चीज़ें धारा पजाई हुई सब कुछ एक साथ हो गया। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है और इस तरह से चाहे तुम जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा मर्ज हो जाती हैं। तो अभी तक मैंने यहाँ पे सारा अपने सूटकेस खोले हुए थे तैयार होने के लिए और अब मैंने उसको सारा समेट लिया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये मेरे ससुराल का मेरे कमरे से मेरा पहला व्लॉग है। इससे पहले जब शादी हो रही थी सब लोग व्लॉग बना रहे थे, मतलब लोग ही बना रहे थे मेरा व्लॉग, शिवम लोग एडिट भी वही कर रहे थे और मैं केवल घूम रही थी, पूरी शादी इंजॉय कर रही थी। लेकिन अब बिल्कुल मैं ही बना रही हूँ ससुराल में आने के बाद। और मेरा डेडिकेशन देखिए आप कि मैं आज सुबह ही यहाँ आई हूँ, सारी रस्में भी हो गई हैं और मैंने आज से ही यहाँ पे व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा जितने भी लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं, मेरे को वैसे ज़्यादा देखने का मौका तो मिला नहीं, मतलब बहुत कम मैं अभी तक देख पाई हूँ क्योंकि आज ही मैं यहाँ आई हूँ और
आज ही बहुत सारी रस्में हुई तो ज़्यादा मौका मिला नहीं, आज ही मैं सब चीज़ें थोड़ा बहुत कमेंट आप लोगों के देख रही थी। तो जितने भी लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी है, मतलब आप लोगों ने मतलब हर वीडियो में, कई कई लोगों ने तो हर वीडियो में कितनी बार, मतलब इससे पता चलता है कि लोग कितना अच्छा मानते हैं हमें। तो जितनी भी आप लोगों ने शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ से दूर रहने वालों का प्यार भी होता ही होगा कि शादी एक बहुत बड़ा कार्य है और उसको संपन्न करना चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहती है, उसके लिए बहुत डर लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं जब तक हुआ नहीं था, चाहे हम जितनी मर्जी तैयारी कर रहे थे और जितना मैनेजमेंट रहा होगा, लेकिन एक डर रहता कि यार बस। मुझे तो जिस दिन मेरी फोटोशूट चल रहा था मेरे मेहंदी के दिन का, उस दिन भी मुझे चिंता हो रही थी कि सब चारों तरफ से जब सब हमारे मेहमान आ रहे थे तो मैंने कहा भगवान कोई भी चीज़ ऐसी मत करना कि बिल्कुल सब लोग रास्ते लगे हुए हैं, संपन्न हो जाए, काम पहुंच जाए ढंग से। तो डर रहता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई, मतलब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और सब कुछ अच्छे से निपट गया। दिन कब निकले पता नहीं चला, इंजॉय करा, वीडियो बनी, पूरे मज़े करे। तो और अब मैं ससुराल भी आ गई हूँ, अपने कमरे से मेरा पहला व्लॉग भी है और अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, परिवार में कौन कौन है। अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सबको पहचानना, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। तो आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू, आगे जो जो होता है वो आपको बताती रहूँगी। और ये पहली बार अपने रूम में मैं चार्ज लगाते हुए पहली बार कोई भी चीज़ करो ना, क्योंकि अब ज़िंदगी भर इसी कमरे में रहना है, तो इसलिए ये सब चीज़ें अजीब अजीब लग रही हैं कि मतलब पहली बार ये कर रही हूँ, हमेशा मैंने यहीं पे रहना है, मतलब आते जाते रहेंगे पर एक घर तो यही रहेगा हमेशा। बाप रे, यहाँ पे जल्दबाजी में तैयार होते होते हुए मेरी अंगूठी पर लग गई थी, हाथ पे भी लग गई, मेरे नाखून ने भी मुझे परेशान किया हुआ है। इतनी हप्पड़ तप्पड़ हो रही है मुझे कि मैं क्या बोलूँ, अभी मैं सो के उठ रही हूँ कोई काम नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा मैं क्या करूँ किससे। चलो बात करना तो ठीक है, ये तो थोड़ा कॉमन है, पर मेरे को आइडिया नहीं आ रहा कि मैं क्या किसकी हेल्प करूँ, किसके साथ काम करूँ, क्या बोलूँ मैं गाइस। फिलहाल देखो यहाँ पे मेरा मेकअप बॉक्स होने वाला है, यहाँ पे अपना सामान वगैरह सेट करूँगी और अभी सब लोग बाहर पे आ रखे हैं, वो मैं आपको चुपके से दिखाती हूँ। तो फिर मतलब मुंह दिखाई के लिए सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मैं उसी के लिए बाहर जा रही हूँ। तो आज सुबह से मतलब लगभग बहुत सारे लोग आ गए, तो इसलिए मैं रेडी भी हो रखी हूँ। तो मैं अभी रात को ये नथ निकाल दूंगी, तो बाहर का माहौल थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे अभी तो कोई है नहीं, सब चले गए, सब कमरों में है। तो फिर अभी हो रहा है रात का समय और मैं अपने कुछ कुछ कपड़े सेट कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी यहाँ पे ननद बैठी है। हाई कर दो भाई। हेलो। ये देखिए तुम भी हाई कर दो। तो ये मेरी बिल्कुल प्रॉपर मदद कर रही है जो भी छोटे मोटे काम के लिए। और यहाँ पे देखिए शुभम ने बोला मैंने तुम्हारे लिए अलमारी बिल्कुल खाली कर दी, और ये देखो मेरे को कुछ रखने के लिए जगह ही नहीं है। अपना देखो अपना पूरा सामान यहाँ सेट करा हुआ है और मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ी, मेरे लिए जगह छोड़ रखी है। बोला यहाँ देखो यहाँ है तुम्हारे लिए जगह, कैसे खुले रे, यहाँ है जगह, यहाँ भी अपना कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। और इसके अलावा मैं शुरू कर रही हूँ अपने कपड़े रखना, और यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें रख चुकी हूँ। तो ये देखिए अभी तो गदर बदर हो रखी है, लेकिन यहाँ पे मेरी जगह होगी। तो अभी और भी सामान रखा हुआ है, धीरे धीरे सामान सेट हो रहा है। और हमारी ननद जी हम लोगों की देखो अभी उनकी हालत थोड़ा वैसी हो रखी है, वैसे भी सुंदर लग रहे हो, लेकिन फिर भी अभी धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। जैसे हमारे घर में अंजलि बहने मेरी वो है ना, धीरे धीरे आप लोगों ने उनको पहचाना शुरू करा, वैसे यहाँ से भी होगा कि आपको धीरे धीरे सारे रिश्ते समझ में आएंगे, पहले मुझे आएंगे फिर आपको आएंगे। और दू कुछ नहीं। तो देखिए गाइस आ चुकी हूँ मैं भैया ने सारी शादी वो कराई, संपन्न करवाई, सारे काम धंधे करवाए। अभी वहाँ वेडिंग पॉइंट में और भी शादियाँ हैं, तो कितना लोड हुआ आपको बताओ भैया? लोड तो रहता है घर की शादी में, जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा रहती है ताकि कोई कुछ बोले ना, वो तो है, इसलिए उसमें क्या ध्यान देना पड़ता है। दोनों तरफ से लोड था आपके पास?
गेट से ही वापस चले गए। बच्चों को सब जगह एक्साइटमेंट रहती है। मैं जब अपने घर में भी थी तो अरे मौसी ऐसा करो ऐसे व्लॉग बनाओ, और वैसे ही यहाँ भी ये देखो वो लगे कि पकड़ रुद्दी पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं कि चलो व्लॉग में चलो। नमस्ते नमस्ते, देखो रुद्दी लेके आ रहा है उनको कि व्लॉग में चलो। ये गोल उनके चक्कर में घर पर आ रही है, बाद में पता चला मुझे कि शायद ये है। अरे यार तू मेरे साथ ऐसा मत कर यार, हम ये होते हैं आपके बच्चों को ना, बहुत ज्यादा प्यार करते थे ना बच्चे, बहुत ज्यादा जैसे सौरभ भी होता है। हम पता क्या करते थे, हमारे यहाँ ना वेनसडे टच करते थे, मतलब मेरा एडीएस में ऐसा दुखों का चपला एडीएस है तो कोई भी बोल दो सब कर सकते हैं। ये जिला हॉस्पिटल है ना, उस समय सबसे बड़ा स्कूल था इस एरिया का। नींद आ रही है ना मुझे, इतनी नींद, मैं क्या बोलूं। सब लोग लगे हुए अपने काम पे, मुझे तो कोई आइडिया आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी सब लोग आज मतलब आज सुबह ही मेरी विदाई हुई है, तो आज ही यहाँ पे परिवार के सब लोग साथ में हैं, तो पार्टी वगैरह चल रही है, तो उसी की तैयारी चल रही बाहर, और वहाँ लग रखे सब लोग। तो फिर गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये है मेरा पहला दिन यहाँ पे, आज मेरे मज़े हैं बैठे बैठे, बिल्कुल मेरे को चीज़ें मिल रही खाने को। तो आज यहाँ पे पार्टी होने वाली है, क्योंकि बहुत दिन से शादी का खाना खा रहे थे, उसके अलावा भी आज भी थोड़ा मोमोज़ पार्टी हम लोगों की है, तो मोमोज़ मैं खा चुकी हूँ, इसके अलावा चौमिन है। तो दूल्हे राजा भी बाहर घूम रहे हैं, मिलते हैं तो बताते हैं आपको। अब तो कहाँ दूल्हे राजा, तो ये देखो थोड़ा सा इनको भी दिखा देती हूँ। धीरे धीरे क्या होगा कि एक्चुअली जो भी मेरे ससुराल वाले हैं सब बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अभी कैमरा में आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है शुरू शुरू में, हम लोगों को खुद से ही ऐसा होता था। तो जैसे जैसे सबको आदत पड़ेगी तो धीरे धीरे सब लोगों से मिलवाऊंगी। तो ये देखिए ये अभी दिखने लग गए हैं, सुनो अभी दिख ही नहीं रहे यार। अंकित सूरज को भेजा, बुलाना जरा इनको, बच्चों को नहीं मामा को भेजो, जरा मामा को इनके सूरज को देखो दिखा दे। मैं बुला रही हूँ यार, तुम क्यों शर्मा रहे हो, पता नहीं कहाँ बिजी हो रहे हैं। तुम क्यों शर्मा रहे हो आने के लिए, थोड़ा मेरा एक दो शॉट ले लो। तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैं हमारी शादी होगी, जल्दबाजी में हमारी शादी होगी। सुनो जरा मैं एक शॉट ले लो, दिखाओ लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ। सा
मामी को दे दे। ससुर जी चाहता है कि बहू रानी पहले दिन डांस करे। तो गाइस देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री करी और एंट्रेंस पे यहाँ पे सबसे अच्छा बोर्ड लगा रखा है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन करा है उत्तराखंड वाली। तो बताओ ये आइडिया किसका था दीदी? वाह, पतिदेव कितने एक्टिव हो रहे हैं यार, बैक टू बैक सरप्राइज। हाँ सरप्राइज दे रहे हैं बैक टू बैक। और अभी हम लोगों की पार्टी चलने वाली है, यहाँ पे हमने एक बुफर ले रखा है, उस पर हम लोग डांस करने वाले हैं। तो ये मेरी यहाँ पे पहली नाइट है, तो हम सब लोग डांस करेंगे सबसे पहले। गढ़वाली गाना चलाओ। तो आप बताइए ये गेट पे ये बोर्ड लगाने का एक वो आइडिया किसका था? इसका था, कौन है वो? बताओ, सब कह रहे तुम्हारा था। मेरा पता नहीं किसने, मैं तो खुद सरप्राइज किसने रख दिया यहां पे। नहीं नहीं, ये इतना दिमाग तुम पे ही हो सकता है। अच्छा लग रहा है। मैं जब शुरू में आई ना तो ये तो ठीक है वेलकम, पर मैंने देखा ना मेरे चैनल का नाम भी है उस पे। चैनल का नाम क्यों नहीं है? है ना, वही तो जूम करो ना उसमें। हाँ तो कर दिया ना, देखो साफ साफ दिख रहा है।